रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में ड्राइव नहीं करने दूंगी। गुस्से में ड्राइव करना अच्छा नहीं होता। अगर मैं यहाँ से अभी नहीं गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे अब? ठीक है, तो हम दोनों साथ चलेंगे। चलो, कहाँ जाना है? तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा एक्सीडेंट होने से बचा रही हूँ। तुम्हें इस वक्त अपनी सीट बेल्ट और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। मैं कौन हूँ? तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना, और असिस्टेंट को कहाँ होना चाहिए? अपने बॉस के साथ। लेकिन प्लीज धीरे चलाना, ठीक है? तुम्हारी असिस्टेंट को डर लगता है। तो ठीक है, तुम यही चाहती हो तो। प्लीज दो रुक, प्लीज रुक जाओ। कब से चलाए जा रहे हो? तब से बोल रही हूँ रुक जाओ, प्लीज रुको। मैंने कहा था ना मेरे साथ मत आओ, कहा था ना। दिमाग सटक गया है क्या लड़की? मैं समंदर में क्यों कूदूंगा? मुझे क्या पता, तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है। देखो, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, मैं गुस्से में हूँ। पर तुम तो मुझे हंसाते हो ना जब मैं दुखी होती हूँ। वो अलग बात है। तुम ठीक कहते हो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। शुक्रिया, मुझे बहलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, सच ही बोलूंगी। देखो, तुम अपने भाई को तो जानते ही हो, वो अपने काम में बहुत सख्त है, इतना कि वो भाई को भी इग्नोर कर देता है। मुझे इग्नोर करना प्रॉब्लम नहीं है, शायद उन्होंने जो कहा होगा सही कहा होगा, होगा ही, मुझे यकीन है। मुझे लगता है कि असल में उसने तुम्हें कोई बड़ी गलती करने से बचाया है। नहीं नहीं, असली प्रॉब्लम यह है कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, और जो हर वक्त वो मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना, उनकी इस आदत से मैं तंग आ गया हूं। वो तुम्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता। जब से मैं उससे मिली हूँ ना, वो बस दिन भर दो रुक करता रहता है। मैं हमारे रिश्ते की बात नहीं कर रहा। अगर कोई तुमसे कहे कि मुराद को तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो तुम यकीन कर लोगे? जो भी हो, उनका इस तरह मुझे बीच में आकर रोकना गलत था। हालत जो भी हो, जब आप बहुत अकेले होते हैं तभी अकेले ड्रिंक करना पड़ता है। शायद कोई गलती की होगी तुमने। तुम गलत हो, मैं अपनी मर्जी से अकेले पी रहा हूँ। बैठो। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, पर वैसे भी मैं बैठने ही वाली थी। कहो, क्या बात है? पूरी कंपनी में ये खबर फैल गई है। हर कोई जानना चाहता है कि दुरुक से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या। वो पागल लड़का फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने भी उसे कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। देखो मुराद, तुम दोनों भाई हो, लड़ाइयाँ तो हो सकती हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वैसे समझ नहीं आ रहा है, वो अभी तक उस बात को पकड़कर क्यों बैठा है। नॉर्मली वो हमारी लड़ाई को इतनी अहमियत नहीं देता है। खैर, मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुवाल, तुम कभी हार नहीं मानते और तुम्हें सवाल भी पसंद नहीं है। तुम्हें ठीक लगे वो करना। अगर तुम्हें इस वक्त कोई बात नहीं करनी तो मैं कल तुम्हें फोटोशूट पर ले जाऊंगी। अगर कोई तुम्हारा मुंह ठीक कर सकता है तो वो है तुम्हारा काम। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानती हो। अरे तो कुछ भी नहीं है, यही तो मेरा टैलेंट है। मैं हर किसी के दिल का हाल जान लेती हूँ। हाल ही दिल जानना मेरा काम है। मीटिंग के बारे में बात हो रही थी, मैंने सब सुन लिया है। बताओ, कौन सी मीटिंग, किसके बारे में बात हो रही थी? रिलीज होने में कितना टाइम बाकी है? मैडम, मतलब फतेह कांटी, मैं अपने जॉब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सारते एक टेक्सटाइल कंपनी है और वहाँ एक फैशन फोटोशूट है, और वहाँ का काम मुझे खत्म करना है और डेडलाइन है, इसीलिए मुझे मैं और वेट नहीं कर सकती। फतेह कांटी, हयात को इस वीकेंड फैशन शूट के लिए टाउन से बाहर जाना पड़ेगा। वो बताने की कोशिश कर रही है पर वो बता नहीं पा रही, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। शहर के बाहर जाकर फोटो शूट करने की क्या जरूरत है? ये काम अपने शहर में भी तो हो ही सकता है। कमांडर,
इस बात पर जरा गौर कीजिए, उन्होंने हयात को काम पर आने के लिए कहा हुआ है। अगर काम पर नहीं गई तो वो निकाल देंगे। तो फिर मुझसे क्या चाहती हो, किसी तरह की मदद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मॉम को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी और वो पापा को बता देंगे और मैं मुसीबत में आ जाऊंगी और मॉम यहाँ आ जाएंगी और कहेंगी पापा ने वापस बुलाया और वो सब शुरू हो जाएगा। तुम चाहती हो कि मैं अपनी बड़ी बहन से झूठ बोलूं? ऐसा नहीं होगा मुझसे। झूठ? नहीं नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ उनसे सच बताने से मना कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम लोगों को मैं बच्ची नजर आती हूँ? तुम तीनों मुझे बेवकूफ बना रही हो। ठीक है, फिर उन्हें सच बता देना और फिर वो हयात को यहाँ से लेकर चले जाएंगे और फिर वो हयात की शादी किसी अंधे काने लूले लंगड़े से करवा देंगे और दुखी होके हयात सुसाइड कर लेगी। इस वजह से उसके माँ बाप तलाक ले लेंगे और इसी तरह पूरा खानदान बिखर जाएगा। यही चाहती है ना आप? बताइए अब, यही सब चाहती है ना आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो हयात, तुम लेट मत आना, टाइम पे आ जाना, ठीक है? सबसे प्यारी कौन है? अधिकारी। क्या कर रही हो? और बुरी होती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेरी उम्मीद से पहले ही घर आ गए। आपको कैसे पता चला ये सब? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मैंने तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि वो गिल्टी फील करें। वैसे भी इसका पापा से कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, ये सब इसीलिए तो हुआ है। मैंने उन्हें कहा था जब उन्होंने कंपनी हैंडओवर करने की बात की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उदास मत हो दोरुग, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक अच्छा बहाना है हमारे लिए भाई से झगड़ा करने का। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे भाई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो तुम्हें अपने अंडर काम करवाना चाहता था। देखो मुराद अच्छा आदमी है और तुमसे प्यार करता है, मैं जानती हूँ इस बात को, पर वो प्यार बिग बॉस का है, ये तुम्हें समझना होगा दोरुक। और मुझे अपने बेटे पर आश्क लफ्ज़ अनलमा